हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल पावर पार्टनर। होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज मेरे को एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि यू शुड ट्राई माइक मेंडज़ वर्कआउट रूटीन। सो माइक मेंडज़, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये बहुत बड़े प्रोफेशनल प्लेयर है बॉडी बिल्डिंग के। तो उनका वर्कआउट रूटीन फॉलो करने के लिए एक सब्सक्राइबर ने कमेंट तो किया है, बट उनका थोड़ा सा वर्कआउट रूटीन थोड़ा अलग है। लाइक ये वर्कआउट ए एंड वर्कआउट बी में चलते हैं। तो वर्कआउट ए में लेग्स, चेस्ट एंड ट्राइसेप, तीन चीज एक बार में ट्रेन करता है, जो मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे को बेंच तो करना ही है। तो मंडे को मेरा बेंच रहता है, तो मेरा चेस्ट उस दिन ना सोर हो जाएगा एंड ट्यूसडे को मैं सिर्फ लेग परफॉर्म कर पाऊंगा, बट चेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो पहले से ही फटीक में रहेगा। ये लैपटॉप खोल रखा था मैंने, तो ये है लेग वर्कआउट ए माइक मेंडज़ सर का। इसमें क्या करना है कि लेग्स, चेस्ट एंड ट्राइसेप, लेग्स एक्सटेंशन, स्क्वाट, लेग कर्ल, स्टैंडिंग काफ रेज, काफ प्रेस, एंड देन ये डंबल फ्लाई और पैक, इंक्लाइंड बेंच प्रेस, डीप्स, पुशअप्स, लाइंग ट्राइसेप्स। तो भाई क्या करूंगा कि मैं काफ प्रेस तक मैं कर देता हूँ, वो बेस्ट रहेगा, एंड ये मैं कर नहीं पाऊंगा डंबल फ्लाई और पैक इंक्लाइन बारबेल, बिकॉज कि मेरा मंडे को ही आप लोगों को पता है मेरा बेंच प्रेस होगा, वो वाला वीडियो तो आप लोग पहले देखोगे, तो ये उसके बाद आएगा। तो मेरे चेस्ट पहले से फटीक होगा, इसीलिए मैं ट्राई करूंगा कि नॉर्मल वर्कआउट करूँ, जो इनका लेग्स का पर्टिकुलर वर्कआउट है, क्योंकि सब्सक्राइबर की भी बातें सुननी है भाई, आप लोगों से ही तो हम हैं, तो आप लोगों का बात तो सुनना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दूं। संडे को देख लो भाई मैं क्या करता हूं, संडे को ही करता हूं मैं बैठ के, क्योंकि जिम तो आज होता नहीं है, तो थोड़ा बहुत इसी बारे में रिसर्च कर लेता हूं। मिलते हैं अब डायरेक्टली ट्यूसडे को आप लोगों से। The next day. अरे आ गए वापस। तो कैसे हैं आप लोग सब? लास्ट टाइम जो आप लोगों को बोला था मैंने संडे को, मेरे को ट्यूसडे को थोड़ा स्किप करना पड़ गया था, थोड़ा हम बाहर गए थे, तो कोई बात नहीं, आज वापस रीजॉइन कर लिए हैं। एंड आज जो लेग का सेशन है, किसी एक सब्सक्राइबर ने मेरे से जो बोला था कि भैया आप इसका ट्राई करो माइक मेंडज़ का, ये रहा फोटो उनका, तो उनका लेग वर्कआउट हम ट्राई करने वाले हैं आज। तो स्टार्ट करेंगे ही हेवी से भाई, क्योंकि आई गेस माइक मेंडज़ का मैंने लेग्स देखा है, थाइस देखा है, दे आर वेरी ह्यूज, लिटरली दे आर वेरी ह्यूज। तो हम लोग भी ट्राई करेंगे उनका जो भी वर्कआउट प्लान है उसको अडॉप्ट करने का। उनका वर्कआउट प्लान का भाई स्टार्टिंग ही पता क्या है, लेग एक्सटेंशन के साथ लेग प्रेस का सुपर सेट है भाई, 6 से 8 रेपिटेशन का 3 से 4 सेट। दिमाग से ना ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। एंड जस्ट उसके बाद क्या पता है, सिर्फ एक सेट का स्क्वाट, टायर का बैंड बजने वाला, वो अभी हम समझ चुके हैं, बट कोई बात नहीं, अब जब हो ही गया है कर ही लेंगे वर्कआउट। तो अभी चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों को लेग एक्सटेंशन पे, देन लेग प्रेस के साथ सुपर सेट करेंगे। सुपर सेट में कैसे, हम बता, जो लोगों को पता नहीं सुपर सेट क्या होता है, दो कॉम्बिनेशन, मतलब दो वर्कआउट का कॉम्बिनेशन, जैसे हम अभी ऐसे लेग एक्सटेंशन करना है विदाउट एनी ब्रेक जाके हम जब लेग प्रेस करते हैं, तो इस दोनों जो हम विदाउट रेस्ट कर रहे हैं इसको सुपर सेट बोलते हैं। तो 6 से 8 रेपिटेशन करना है मेरे को लेग एक्सटेंशन पे, विदाउट एनी रेस्ट जाना है लेग प्रेस पे, वहां पर भी 6 से 8 रेपिटेशन करना है, और ऐसे करके 3 सेट्स को रिपीट करना है। लेकिन ये दोनों जब पूरा होगा तो जाके एक सेट होगा, समझ रहे हो, लेग एक्सटेंशन एंड लेग प्रेस जब कर लेंगे तो जाके एक सेट कंप्लीट होगा। तो ऐसे करके 3 से 4 सेट करना है। चलो भाई थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेते हैं, चलेंगे बार पे, और आदत से मजबूर पावर लिफ्टर्स लो भाई, आर पे नहीं मशीन पे। बेसिकली ये जो स्ट्रेचिंग है ना, ये मैं इसीलिए प्रेफर करता हूँ हिप फ्लेक्सर्स को खोलने के लिए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा यूनिक टाइप है, बहुत जन ट्राई कर सकते हैं इसको अपने हिप फ्लेक्सर्स को खोलने के लिए। स्क्वाट के टाइम हिप फ्लेक्सर्स बहुत काम देता है, तो ट्राई करो हिप फ्लेक्सर्स को खोल लेने का, आपका वर्कआउट में आपको कुछ ज्यादा ही इंक्रीमेंटेशन दिखेगा। तो ट्राई दिस आउट। तो सुपर सेट करना, उससे पहले तो सेट करना पड़ेगा ना अपना वेट्स को, तो लोड कर देते हैं। 15 किलो का पहले से यहाँ पर प्लेट लगा हुआ था, एंड 25 किलो का और लगा दिया मैंने। ये जो अगर इसको मैं एम्प्टी चेक करूं, तो हमारे जिम के ओनर के हिसाब से ये 50 केजीज का होता है, अगर इस पूरे एम्प्टी हम लोग रखते हैं। तो अगर 50 केजीज का ये है, 50 प्लस 30 हो जाता है आपका 80, 80 प्लस 50 हो जाएगा आपका 130, 130 केजीज का लेग प्रेस रहेगा, एंड 70 केजीज से मैं करूंगा लेग एक्सटेंशन। 70 केजीज पे 8 रेपिटेशन, 6 से 8 बोला मैं, 8 ही लेके चल रहा हूं, उस पर भी 8 रेपिटेशन, इस पे भी 130 केजीज पे 8 रेपिटेशन। अब आप लोग को ये ना लगे कि मैं झूठ बोलता हूं, तो मैं दिखा देता हूं आप लोग को, ये देखो यहाँ पे, तो देखा आपने 70 केजीज लोड किया हुआ है, अभी इस पे मारते हैं 8 रेपिटेशन। लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 like to get paid, that's why I work every day, I'll be making money till I'm in my grave, don't care what they say, 8 repetition udhar dekh liya, let's go for this 8 repetitions, 4 set hai, go for it. The money keep coming, I manifest it, sing these lyrics and you'll get it, I'm the bank, I'm invested, I get tracked and I have it, money finds me attractive, I'm the type to make commas, turn a profit, I'm the boss, Willy Wonka, but it ain't chocolate, yeah, I'm just being honest, I work for this shit, I'm. देखो ये पहला सेट है तो उतना समझ में आएगा नहीं, हर सेट है अभी, तीसरा,
चौथा में थर्ड आई गेस थर्ड फोर्थ में मेरे को समझ आने लग जाएगा। पहला सेट देखा मैं एक्चुअली आप लोग को करके दिखा दे रहा हूँ कि हम तो थोड़ा हो गया भाई हैवी वेट्स में पुश करने से ही होता है एंड पावर लिफ्टर हूँ भाई हैवी वेट से तो पुश करने की आदत ही है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि हैवी वेट पुश कर पाऊँ। कम वेट में मेरे को तो मज़ा नहीं आता हैवी वेट में मज़ा आता है बट हाँ आप लोग को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप हैवी वेट भी कर रहे हो वो गाइडेंस के अंदर करो थोड़ा सा सेफ्टी के साथ करो। हम लोग को तो आदत है करते हैं हम किए भी है पहले इसलिए मैं कर रहा हूँ अभी भी बट आप लोग थोड़ा सेफ्टी के साथ यानी कि देखा अगले दिन जाके आपने लोड किया मानने लग गया करो सेफ्टी के साथ। तो अभी हम लोग चलेंगे अपना सेकंड एक्सरसाइज पे वहाँ पर पूरा कंप्लीट किया भाई थोड़ा पंप आ गया है देख सकते हो थोड़ा पंप तो है बाकी अभी चलेंगे हम लोग का सेकंड एक्सरसाइज था स्क्वाट। स्क्वाट में क्या करना है कि 6 से 8 रेपिटेशन उस पर लगाना है एक सेट सिर्फ एक ही सेट है 6 से 8 रेपिटेशन का तो एक ही सेट जब है तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं पुश कर पाऊं 8 से ज्यादा मार पाऊं ताकि वो बना रहे भाई क्योंकि एक सेट में फिर मजा नहीं आएगा पावर लिफ्टर हूँ स्क्वाट में आ रहा हूँ एंड ज्यादा इंटेंस वर्कआउट ना करूँ तो फिर आप लोगों को पता ही है मजा नहीं आता। आप लोग अपने हिसाब से देखना ट्राई करना है तो करना मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपके हिसाब का देखना अगर आपका बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है कि आप ट्राई करना चाहते हैं आप कर सकते हो तो प्लीज एंड अगर नहीं कर पाओगे तो प्लीज मत करना ट्राई। बाकी 70 केजी लोड के बाद मेरा इंटेंशन है कम से कम 12 प्लस रेपिटेशन लगाने का देखते कितना लगा पाते हैं। How about time with my money? Laughing to the bank cause it's funny. The money keep coming. I manifest it. Sing these lyrics and you'll get it. 13 repetitions. बोला था 12 plus लगाने का. देखो क्या पता था भाई plus 1 में हो जाएगा. चलते हैं दूसरे exercise पे फिर बात करते हैं रुको. फिर आगे वाले exercise पे move करते हैं. ये है leg curl. जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ. Leg curls होता है. ये part के लिए. ये. समवट ग्लूट्स को भी ये इन्वॉल्व करता है। लेग कर्ल करने से हम लोग का जो हैमस्ट्रिंग्स है हैमस्ट्रिंग्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है एंड हैमस्ट्रिंग्स पे जब प्रेशर पड़ता है तो वो आपका ओवरऑल हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड पावर लिफ्टर लोग को तो हैमस्ट्रिंग इसीलिए स्ट्रेंथन करना चाहिए बिकॉज डेडलिफ्ट भी करना है स्क्वाट भी करना है तो हैमस्ट्रिंग का तो बहुत बड़ा पावर रोल प्ले होता है उसमें भी। लेट्स मूव टू लेग कर्ल 35 केजी वेट लोड किया हुआ है 6 से 8 रेपिटेशन का 2 सेट लिखा हुआ है बट मैं ट्राई करूंगा 12 रेपिटेशन का 2 सेट करने का एंड वेट बढ़ेगा इसमें 35 के बाद 40 केजी लूंगा तो 35 देख लेना फिर 40 मैं खुद मार लूंगा। बारह रेपिटेशन तो यही है भाई एंड प्लीज हैमस्ट्रिंग कर्ल्स किया करो मतलब जो हम लोग लेग कर्ल्स बोलते हैं उसको किया करो बहुत जन अवॉइड करते हैं बोलते भाई लेग कर्ल्स सही से नहीं होता है मेरे से भी सही से नहीं होता है बट मैं ट्राई करता हूँ लेग कर्ल्स करने का ताकि ओवरऑल लेग्स जो है सिर्फ क्वाड्स मजबूत ना हो हैमस्ट्रिंग्स भी मजबूत हो अगर हैमस्ट्रिंग्स एंड क्वाड दोनों मजबूत हो क्वाड्स दोनों मजबूत हो जाएगा ना आपका ओवरऑल लेग स्ट्रेंथन होगा जिससे आपको बहुत हैवी पुश मिलेगा पावर लिफ्टिंग करोगे या फिर नॉर्मली वेट पुश करना ट्राई करोगे तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो लेग कर्ल्स देख लिया अभी स्टैंडिंग काफ रेजेस करना है तो काफ भी करना जरूरी है बहुत जन काफ स्किप कर देते हैं लेग्स करते हैं बट काफ नहीं करते हैं तो काफ भी जरूरी है लेग्स को ओवरऑल खूबसूरत दिखाने के लिए ठीक है मानते हैं स्ट्रेंथ में भी थोड़ा बहुत वो इंक्लूडेड है लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ से हट के बात करोगे तो आपका ओवरऑल लेग्स को अच्छा दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लाइक भाई अगर मान के चलो आप लोग का बाइसेप इतना बड़ा बड़ा है ठीक है एंड आपका फोरआर्म से इतना पतला सा है अच्छा लगेगा क्या नहीं ना तो सेम गोज विद लेग मेरा भी भाई वैसा ही है मेरा कुछ अलग नहीं है मेरा जो थाइज का है डायमेंशन उस हिसाब से मेरा काफ्स थोड़ा छोटा पड़ जाता है बट मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ धीरे धीरे काफ्स को 3 से 4 दिन वर्कआउट में इंक्लूड करने का एंड वॉल्यूम ट्रेनिंग करने का क्योंकि देखो जब वॉल्यूम ट्रेनिंग करते हो तो एक मसल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ठीक है तो ट्राई करो आप भी फिलहाल काफ रेजेस देख लेना इसका भी 2 ही सेट है 6 से 8 बोला है तो भाई मैं तब तक करूंगा मतलब मेरा दोनों ही सेट ऐसा रहेगा कि जब तक मैं फेलियर ना पहुंच जाऊं तो फेलियर पहुंचूंगा तभी छोड़ूंगा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा डोंट वरी आप लोग बोर नहीं होगा उस जगह पे। Not tired, I'm inspired, rewired, I know just what is required. My brain knows how to decipher the messages looking brighter. Already paid up the pipe, but my game is getting much tighter. I feel my body on fire. I guess मैंने 30 या फिर 31 repetition किए भाई nerves आ रहा है calves के जगह पे यहाँ पे यही होता है फायदा भाई थोड़ा सा आपका legs और ज्यादा खूबसूरत दिखता है। उसके बाद एक last workout होगा calf से ही related है वो है calf press। टेंशन मत लेना ये मशीन ही है ये मशीन अलग है काफ रेजेस बोलते हैं इस मशीन को। इसमें क्या करेंगे कि हम लोग का पैर जो लेग प्रेस के टाइम पे नॉर्मली ऐसे रहता है उसको क्या करूंगा मैं थोड़ा सा अंदर ला दूंगा यहाँ पे इस जगह पे एंड फिर टो से पुश करूंगा ये पोर्शन ठीक है उंगलियों से पंजा जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी ना सिर्फ पंजों से पुश करूंगा मैं उस पर। ऐसे देखो 8 रेपिटेशन में मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था मैं इस पर ट्राई करूंगा कम से कम 10 रेपिटेशन लगाने का सेम एज आई टोल्ड यू बिफोर 130 केजी अभी भी लोड किया हुआ है। All the practice to prepare for this main time.
I could do anything, that's my baseline. Go ahead and do you, I'ma make mine. You gon' read my headlines. Always go, I don't know what deep. सेम एज इफ भाई 30 रेपिटेशंस है भाई, दम है। बॉडी बिल्डर्स का जब एक्सरीज या फिर जो भी पावर लिफ्टिंग शेड्यूल पे जब ट्रेन करोगे ना, फील होगा कि हाँ भाई कुछ डिफरेंस लग रहा है नॉर्मल बॉडी वर्कआउट से जो हम लोग करते हैं। लिटरली डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बाकी आप भी ट्राई कर सकते हो माइक मेंटेजर का वर्कआउट। एंड भाई जिन्होंने बोला था ये रहा आपका वीडियो, अगर आपको भी कोई भी बॉडी बिल्डर का वर्कआउट रूटीन मुझसे करवाना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ज़रूर आपका कमेंट देखूंगा मैं। फिलहाल अगर आपको ये वर्कआउट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। बहुत जल्दी भाई 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन भी पूरा होने वाला है, जरूर सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा बाकी आई नो, बट स्टिल होप है आप लोग पे भरोसा है कि आप लोग करवा दोगे सब्सक्राइब। इस वीडियो को भी प्यार दिखाना, लाइक आप हर वीडियो को प्यार दिखाते हो। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।